हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो फॉर क्लास 9th चैप्टर 5th बायोलॉजी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। जो प्लांट सेल होती हैं उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और हार्ड कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? एक और हार्ड कवरिंग होती है। तो क्या है सेल वॉल? इट इज रिजिड। रिजिड मतलब कठोर, जिसके पार्टिकल ना हिलें। सेमी इलास्टिक मतलब इलास्टिक होता है लचीली, लेकिन ये कम लचीली है। सपोर्टिव जो सपोर्ट दे, सहायता दे। एंड प्रोटेक्टिव जो रक्षा करे। यानी क्या क्या है? ये रिजिड है, सेमी इलास्टिक है, सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग। प्रेजेंट आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। इन प्लांट, प्लांट के अंदर। फंगी, फंगस के अंदर। एंड सम बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया की सेल के अंदर। यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग होती है जिसको बोला जाता है सेल वॉल, जो रिजिड है, सेमी इलास्टिक है, सपोर्टिव है, प्रोटेक्टिव है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोज नाम के कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। सेलुलोज एक ऐसी चीज है जिसको मनुष्य पचा नहीं सकता, क्योंकि सेलुलोज को पचाने के लिए विशेष एंजाइम चाहिए जो पशुओं के अंदर ही होते हैं, इसलिए घास फूस को केवल पशु पचा सकते हैं। यानी इट इज सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। सम डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, कुछ मात्रा लिग्निन की होती है। सवरेन एंड कुडिन। फंक्शन, क्या क्या काम करती है सेल वॉल? इट इज हार्ड, ये कठोर होती है, सो इट गिव्स शेप, इसलिए ये क्या देती है? शेप देती है टू सेल, सेल को। यहां पर देखिए जो ये डायग्राम है, ये प्लांट सेल का है, जो इसके ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के बाहर जो ये है, ये सेल वॉल है। ये देखिए ये वाली, ये सेल वॉल का डायग्राम है। इसके चारों तरफ हम एक एक करके सारे इसके ऑर्गेनिल्स पढ़ेंगे जो इसके अंदर हैं। यही आज इसी की बात हो रही है, जो ये वाली है। इट इज हार्ड, ये बहुत हार्ड है, सो इट गिव शेप टू सेल, ये सेल को शेप करती है। स्ट्रेंथ, शक्ति। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू सेल, ये सेल को स्ट्रेंथ देती है, मजबूत बनाती है। प्रोटेक्शन, रक्षा करती है। इट गिव प्रोटेक्शन टू सेल अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरीज, जो कोई चोट लगती है उससे रक्षा करती है। आपने देखा होगा पेड़ों की जो ऊपर वाली छाल है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, वो उन सेल्स के ऊपर क्या होती है? सेल वॉल। इट हेल्प इन लिमिटेड एंडोस्मिसिस। एंडोस्मिसिस क्या होता है? ये केवल लिमिटेड अमाउंट में ही चीजों को अंदर जाने देती है, ऐसे कोई बैक्टीरिया वायरस सीधा एंटर नहीं कर सकता, बहुत रेयर चांसेस होते हैं सेल वॉल को क्रॉस करना उनके लिए। तो अब डिफरेंस पढ़ते हैं सेल वॉल में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। सेल वॉल, इट इज फाउंड इन प्लांट सेल, ये प्लांट सेल के अंदर होती है सेल वॉल। इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ये दोनों में हो सकती है, प्लांट सेल में भी एनिमल सेल में भी। इट लाई आउटसाइड दी सेल, ये सेल के बाहर होती है, जैसा मैंने अब डायग्राम में दिखाया था कि ये सेल के कहां पर थी? बाहर होती है, मेम्ब्रेन के बाहर। इट लाई आउटसाइड इन
एनिमल सेल, एनिमल सेल के अंदर तो ये सबसे बाहर वाली परत होती है, जो मेम्ब्रेन है वो एनिमल सेल में सबसे बाहर वाली परत होती है, बट अगर प्लांट सेल की बात करें तो ये अंदर होती है, क्योंकि इसके ऊपर कौन होती है, सेल वॉल, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर तो सबसे बाहरी परत प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर सबसे बाहर वाली परत होती है सेल वॉल। इट इज थिक, सेल वॉल थिक होती है, इट इज थिन, मेम्ब्रेन है जो वो थिन होती है। इट इज रिजिड, मोस्ट ऑफ टाइम ये रिजिड होती है, कठोर होती है। इट इज फ्लेक्सिबल, जो मेम्ब्रेन है वो लचीली होती है। इट इज परमेबल, यानी इसमें से चीजें गुजर जाती हैं। इट इज सिलेक्टिवली परमेबल, ये सिलेक्टिवली परमेबल है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोज की बनी होती है। इट इज फॉर्म्ड बाय लिपिड एंड प्रोटीन, जो मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू सेल, ये सेल को शक्ति देती है। इट कंट्रोल द पासेज ऑफ कंटेंट्स, ये चीजों के आगमन, बाहर निकलना और अंदर जाने को रोकती है। उसके साथ साथ ये सेल के सभी ऑर्गेनिल्स को अंदर ही रखती है, उनको बाहर नहीं आने देती, यानी दोनों का अपना अपना महत्व है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये सेल का डायग्राम है। इस सेल के बीच में देखो एक गोला, एक स्फेरिकल शेप है जो न्यूक्लियस कहलाती है। अब हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन है, फिर इसके अंदर एक और गोल गोल टुकड़ा है जिसको न्यूक्लियोस बोलते हैं, ये ध्यान रखना। अब हमारा टॉपिक न्यूक्लियस है। यहाँ डायग्राम के अंदर देखेंगे ये क्या है, सेल है, और ये सेल के बीच में जो गोला दिखाया गया है ये वाला, ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है जो ये बाहर से रेड कलर से दिखाई गई है। इसके अंदर ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और बीच में एक गोल शेप है जिसको न्यूक्लियोस बोलते हैं। तो आओ इसको डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियस क्या होती है, इट इज डेंस, ये बहुत ही संगठन, कॉम्प्लेक्स या डेंस चीज है जिसको बोलते हैं, जिसके पार्टिकल पास हों। प्रोटोप्लाज्मिक, लिक्विड से भरी हुई बॉडी बॉडी है। डैट कंटेन, जिसके अंदर होते हैं हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को जाने का मटेरियल होता है। जैसे कि आपकी शक्ल आपके माता पिता से मिलती है, तो वो सेल की न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट मटेरियल से ही आपकी शक्ल आपके माता पिता से बनती मिलती है। यानी कि ये क्या है, डेंस है, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक लिक्विड होता है, और ये क्या करती है, हेरिडिटी की इंफॉर्मेशन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। इट इज ओवल और स्फेरिकल, ये अंडाकार या फिर बिल्कुल गोल हो सकती है। इन एनिमल, एनिमल सेल के अंदर इट लाई इन सेंटर, एनिमल सेल के बिल्कुल सेंटर में होती है कौन, न्यूक्लियस। एंड इन प्लांट सेल इट लाई अवे फ्रॉम सेंटर, लेकिन प्लांट सेल में ये अवे होती है। सम सेल हैव वन न्यूक्लियस, बहुत सारी सेल के अंदर एक होती है, तो बहुत सारी सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होती है। अब मैंने जो डायग्राम में दिखाया था, उस न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटी क्या होती है, न्यूक्लियोस। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को, क्या होती है, इट इज डबल मेम्ब्रेन, इट हैज डबल मेम्ब्रेन कवरिंग विच सेपरेट न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियस के मेटेरियल को और सेल के मटेरियल को मिलने से रोकती है। इसमें से केवल कुछ मटेरियल का ही आदान प्रदान हो सकता है, विच अलाउ द एक्सचेंज सम मटेरियल। आगे है न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लाज्मा न्यूक्लियस की क्या है, आगे न्यूक्लियोप्लाज्मा यानी कि लिक्विड। इट इज
कलरलेस, डेंस, सैप लिक्विड फाउंड इनसाइड न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला एक लिक्विड है, कलरलेस होता है। अब है न्यूक्लियोस, न्यूक्लियस के अंदर एक और गोल आकृति होती है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इट इज राउंडेड स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड न्यूक्लियस। इन सर्टेन केस न्यूक्लियस में मोर देन वन, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक और गोल आकृति जो एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। इट डज नॉट हैव मेम्ब्रेन, जो अंदर वाली न्यूक्लियस है उसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, बट रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन में रिच होती है, प्रोटीन होता है उसके अंदर, आरएनए। और जो लिक्विड भरा होता है न्यूक्लियस के अंदर उसके अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमोसोम्स। इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर धागे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा है उसके अंदर धागे जैसी संरचनाएं हैं, मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, जो प्रोटीन की बनी होती हैं। इट इज कॉल्ड क्रोमेटिन रेटिक्यूलम ड्यू टू इंटरविंड नेचर, ये एक दूसरे से गुंथे होते हैं, धागे जैसी टेढ़ी मेढ़ी संरचनाएं होती हैं, इनको रेटिक्यूलम कह सकते हैं आप। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल बंटती है, क्रोमेटीन बिकेम हाई कंडेंस, जो क्रोमेटीन, जो लिक्विड भरा हुआ है, जो इसके अंदर धागे हैं, वो एक दूसरे से गुंथ जाते हैं। जब सेल एक सेल से दो बनती हैं, तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट धागे जैसी संरचनाएं कंडेंस हो जाती हैं, और वो क्या कहलाती हैं उस समय, क्रोमोसोम्स। क्या कहलाती हैं, क्रोमोसोम्स। ये हम एक न्यूक्लियस को देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ये क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमोसोम्स, ये न्यूक्लियोस है, न्यूक्लियस के अंदर एक और न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है पूरी की पूरी, नॉट सेल, दैट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक और न्यूक्लियस, और ये है क्रोमोसोम्स के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जब ये कंडेंस हो जाएंगे तो इनका नाम क्रोमोसोम्स आ जाएगा।